अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं इवनिंग से, और हम जाने के लिए रेडी हो रहे थे डी मार्ट, और मैंने ऐसे ही सिंपल सूट पहना है क्योंकि मुझे बुर्का पहनकर जाना होता है। तो अब हम आ गए हैं डी मार्ट के लिए, तो कुछ शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि राशन काफ़ी सारा ख़त्म हो रहा था घर में, तो हम इसलिए आए हुए थे। मेरा बेटा भी था साथ में, और बड़ी मुश्किल से हम उसे लेकर आए हैं, वरना वो आने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था। और ये प्रोटीनैक्स का डब्बा था फॉर वुमेन, और इस पे 30 रुपीज़ का ऑफ था। और आज भीड़ नहीं थी डी मार्ट में, काफ़ी ज़्यादा रश नहीं था जैसे हर बार होता है, तो आज अच्छे से शॉपिंग की हमने इजीली। और ज़्यादा रश होता है तो तब भी कुछ समझ में नहीं आता है, भीड़ ज़्यादा रहती है, ज़्यादातर संडे में ज़्यादा भीड़ रहती है, सैटरडे संडे में। ये ब्रेड थी मल्टीग्रेन, और काफ़ी अच्छी रहती है ये भी। और ये टी सेक्शन था, टी कॉफ़ी सेक्शन था, ये इंस्टेंट टी कॉम्बो पैक था, ये मसाला टी थी, ये मसाला होता है चाय में डालने के लिए, किसी को अगर ज़्यादा कड़क चाय पसंद है तब इसे यूज़ कर सकते हैं, हमें इतनी कड़क चाय नहीं पसंद है, हम चाय भी कम ही पीते हैं। और जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट था, इसका शेशे थे यहाँ पर, और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को आप काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं, मैंने एक बार ट्राई किया था। ये था मैगी मसाले का पैकेट था, और इस पर भी कुछ ऑफ था, 5 रुपीज़ का ऑफ इस पे था। और ये यहाँ पे चावल थे, एक चावल हमें ये वाला इंडिया गेट बासमती राइस रोज़ाना ये वाला हम लेते हैं, तो ये एक लिया था हमने, और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था इन पर भी। उसके बाद ये थी दालें, और जो कि मैं बताती हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ की दालें होती हैं, फ्रेश होती हैं, तो दालें भी कुछ हमने ली थी। और ये थे यहाँ पर खड़े मसालों का सेक्शन था सारा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे यहाँ पर मसाले मिलते हैं, सारे पैकेट वाले मसाले थे, और एकदम साफ़ मसाले यहाँ के होते हैं। और ये मिर्ची का पैकेट था जो मैं चटनी वगैरह में यूज़ करती हूँ, मिर्ची, ये वो मिर्ची थी रेड चिली, चिली गुंटूर, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और स्पाइसी नहीं होती हैं, ये इसलिए मैं ये वाला पैकेट भी मैंने एक लिया था, क्योंकि चटनी वगैरह में ये वाली मिर्च मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर सभी मसाले, एक ये वाला सेक्शन था मसालों का जो पाउडर वाले मसाले थे, उधर की साइड में खड़े वाले मसाले का एक सेक्शन मैंने आपको दिखाया था, ये पाउडर वाले मसाले थे। और ये सारे सीड्स थे, रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स थे, चिया सीड्स थे, बेरीज थी, काफ़ी सारी यहाँ पर सीड्स में वैरायटी थी, और इन सभी पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट था, किसी पर 2-3 रुपए का डिस्काउंट था, किसी पर अच्छा खासा डिस्काउंट था। उसके बाद हम आगे चलने लगे थे अपनी राशनिंग के लिए, जो जो हमें सामान लगता, एक हमने मैंगो मैरी कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसके बाद में ये पानी पूरी पे अच्छा खासा ऑफ था, बाय वन गेट वन फ्री, और 80 रुपीज़ इसका प्राइस था, बट 80 रुपीज़ में यहाँ पर हमें 2 पीस मिल रहे थे पानी पूरी के, पानी पूरी एट होम, इसे इजीली हम घर पे बना सकते हैं। उसके बाद में इधर की साइड कुछ पिकल्स रखे हुए थे, पापड़ वगैरह रखे हुए थे, जिन पर अच्छा खासा ऑफ था, ये देखें 51 रुपीज़ का ऑफ था पापड़ पे। मैंगो पिकल और चिली पिकल पे भी कभी कभी बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ रहता है। और ये घी वगैरह थे यहाँ पर, घी पे भी ऑफ था, घी भी काफ़ी वैरायटी में यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक ली थी, जो कि मेरे बेटे ने यहाँ पर ली हुई है, क्योंकि स्टेयर्स से हमें ऊपर आना था, तो इसलिए हमने बास्केट छोटी वाली ली थी, ऊपर से हम बड़ी बास्केट लेने वाले थे फर्स्ट फ्लोर पे जाके, ये ग्राउंड फ्लोर पे था ग्रोसरी आइटम, जितना भी राशनिंग का इस तरह का आइटम था, फूड आइटम, ऑयल, घी, ये सब वगैरह, और कितनी भी क्वांटिटी में आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये देखें, स्टेयर्स से हमें जाना था, तो इसलिए हमने बास्केट छोटी ली हुई थी, ऊपर जाके हमें बड़ी वाली बास्केट ट्रॉली लेनी थी। और ये कुछ कप्स थे, मग्स थे, और 59 रुपीज़ इसका प्राइस था, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा लगा, इसमें कलर काफ़ी सारे अवेलेबल थे, बट प्राइस मुझे इसका कुछ ज़्यादा लगा तो मैंने नहीं लिया। और एक हमें लेना था रू अफ़ज़ा, जो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, पिछली बार हमने रोज़ सिरप लिया था, बट इस बार मुझे रू अफ़ज़ा लेना था। और ये ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन था जो फर्स्ट फ्लोर पे था,
और ये सीज़र थी, किचन सीज़र, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी और ये काफ़ी गुड क्वालिटी के टूल्स थे। यहाँ पर लाइटर वगैरह थे, नाइफ थे और ये एक सेक्शन है पूरा बॉटल्स का और काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे बॉटल्स का आपको मिल जाता है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में 19 रुपीज़ से यहाँ पर बॉटल्स स्टार्टिंग हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे बॉटल्स की मिल जाती है। मैं काफ़ी दिन से यहीं की बॉटल्स यूज़ करती हूँ, डीमार्ट से ही मैं बॉटल्स ले जाती हूँ और ये वाली रेड वाली बॉटल्स इसमें की मैं ले गई थी एक, और एक मुझसे किसी ने मंगवाई है तो मैं उनके लिए फ़िलहाल ये वाली स्काई ब्लू वाली बॉटल लेकर जा रही हूँ एक, क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा हो गया था तो बाइक से इतना सारा सामान कैरी नहीं कर सकते हैं, तो एक बॉटल मैंने ली है क्योंकि इस बॉटल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। और ये एक सेक्शन था जहाँ पर फेस वॉश, बॉडी लोशन, पाउडर, क्रीम्स वगैरह थी और दूसरी साइड पे यहाँ पर शैम्पू वगैरह थे, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और ऑफ़र्स भी काफ़ी अच्छे थे शैम्पू पे। तो एक मैंने बायोटिक का शैम्पू लिया है, मेरा फिनिश हो चुका था ऑलमोस्ट और काफ़ी अच्छा ये शैम्पू था। और एक छोटा वाला विम सोप मैंने लिया है यहाँ से और एक मैंने लिक्विड सोप लिया था फ्रिल का, जो कि इसके ऊपर ही सेक्शन था वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये सारा डिश वॉश बार का सेक्शन था, काफ़ी अच्छा ऑफ था इन पर भी, जो छोटे वाले बार थे डिश वॉश बार उन पे कम ऑफ था, 2 से 3 रुपए का, 3 से 4 रुपए का ऑफ था और जो बड़े वाले डिश वॉश बार थे उन पे काफ़ी अच्छा ऑफ लगा हुआ था। फ्री स्क्रबर इनसाइड था इसमें 10 रुपीज़ का, 7 रुपीज़ का, तो मैंने 29 वाला लिया था डिश वॉश बार छोटा वाला। और ये सेक्शन था एक पूरा ह्यूज वैरायटी थी डिटर्जेंट की और ये लिक्विड सोप थे, ये लिक्विड थे वुलन वाले कपड़ों के लिए और वैसे भी नॉर्मल कपड़ों के लिए भी, और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान था इधर की साइड। यहाँ पर बल्ब्स वगैरह थे, ट्यूब्स थी, इमरजेंसी लाइट्स वगैरह थी, सेल्स वगैरह थे, ये देखें कितनी प्यारी प्यारी लाइट्स थी यहाँ पर। और एक सेक्शन था मुझे लेना था टूथपेस्ट, पेस्ट ख़त्म हो गया था हमारा तो यहाँ से पेस्ट हमने लिया था, इसका भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, आप जो भी यूज़ करते हैं वो इजीली डीमार्ट से ले सकते हैं। हर चीज़ की यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और ये सेक्शन आ जाता है क्रॉकरी का, तो इधर की साइड हम आ गए हैं, ये कंटेनर वगैरह थे, बास्केट थी, स्ट्रेनर थे, स्ट्रेनर मेजरिंग कप थे और ये सारे ऑर्गेनाइज़र थे और ये सभी साइज़ के छोटे बड़े कंटेनर थे जो कि हम मोस्टली किचन में यूज़ करते हैं स्पाइसेस वगैरह के लिए। और ये एक छोटू सा 175 इसका MRP था बट ये 99 के ऑफ़र में हमें मिल रहा था। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इसमें दो कलर थे, एक ये बहुत प्यारा कलर था, ये 99 का लंच बॉक्स हमें पड़ रहा था डीमार्ट से और डीमार्ट में काफ़ी अच्छा ऑफ रहता है। और ये कंटेनर हैं, काफ़ी सारे कंटेनर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं आपको। और ये बास्केट थी, एक बास्केट मेरे पास भी है इनमें से, लिड वाली बास्केट आप मैनी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसमें सामान आप कैरी कर सकते हैं, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं इस बास्केट में, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी की ये बास्केट है, काफ़ी अच्छा सामान इसमें आप स्टोर कर सकते हैं काफ़ी सारा। और ये टिशू पेपर का एक सेक्शन था, टॉयलेट पेपर भी थे, टिशू पेपर और डिस्पोजेबल जो बर्तन वगैरह होते हैं, प्लेट्स, बाउल्स, वो सब थे यहाँ पर। और ये छोटे छोटे टिश्यूज़ थे और एक फॉइल पेपर मुझे लेना था जिस पे भी ऑफ था बाय वन गेट वन का। ये मिनी स्कूल बॉटल थी जो कि मेरे बेटे के तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको बहुत ज़्यादा पानी मुझे देना पड़ता है तो मैंने उसके लिए बड़ी वाली बॉटल ले रखी है पानी के लिए। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इसकी भी और काफ़ी प्यारी लग रही थी ये छोटी सी देखने में। और यहाँ पर कप्स का सेक्शन था और ये थी हमारी ट्रॉली जो फुल हो चुकी थी। अब जितना भी मेरी ग्रोसरी आइटम की लिस्ट थी मेरे पास वो सभी सामान मैंने ले लिया है ग्रोसरी का और अब हम लाइन में लगे हुए हैं बिलिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी लाइन रहती है बिलिंग पे काउंटर पे। आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो जल्दी हमारा नंबर आ गया था और बिलिंग हमारी हो चुकी थी, पे हमने कर दिया था और उसके बाद में हम आने लगे थे बाहर। और ये देखे बाहर हो गई थी बारिश, जब हम डीमार्ट में आए थे शॉपिंग शुरू की थी हमने तभी बारिश
भी शुरू हो गई थी और अब हम आए हैं तो बारिश रुक गई थी, तो हम भीगे नहीं थे, हम बच गए थे। और अभी हम घर के लिए आ रहे हैं वापस। और जैसे कि मैंने बताया था, मोस्टली इसमें ग्रोसरी आइटम्स ज़्यादा थे, मेरे शैम्पू ऑयल वगैरह भी थे इसमें, क्योंकि फिनिश हो गया था मेरा शैम्पू। और इस पे भी अच्छा खासा ऑफ़र था, बट बाय वन गेट वन का ऑफ़र नहीं था शैम्पू पे जो मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का। उस शुगर पल्सी, सोयाबीन, राइस, इन सभी पे ऑफ़र थे अच्छे खासे, तो ये भी हमने बाय किए हैं। और शुगर वगैरह में, राइस वगैरह में काफ़ी अच्छा वेट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है बाइक पे इतना सारा सामान कैरी करना। तो ये सारा हैवी सामान था, मुझे डिटर्जेंट भी लेना था, सोप भी लेने थे, तो इनमें काफ़ी अच्छा खासा वेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इतना ही सामान लिया है अभी। और यही मेरी लिस्ट में था, और ये गैसो फास्ट थी जो कि कभी इमरजेंसी होती है, कभी ऐसा एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो ये भी एक मैं रखती हूँ घर में। और ये ऑयल मैंने लिया था कूल आमंड ऑयल ड्रॉप्स, मैंने सोचा अब की बार ट्राई करती हूँ, कूल में आ रहा है आमंड ड्रॉप्स, अगर आपने यूज़ किया हो आमंड ड्रॉप्स तो मैं यही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ सर्दी में भी और गर्मी में भी, मैं यही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, एक ही बजाज आमंड ड्रॉप्स। और एक ये मैंने अमृतांजन का स्प्रे लिया था, जॉइंट मसल्स पेन स्प्रे था। ये सोया स्टिक्स थे जो कि मैं घर पे रखती हूँ ज़्यादातर, और ये रूह अफजा भी फाइनली मुझे मिल गया था, हमने ढूंढा था। तो अब ये सारा सामान मुझे सेट करना था अपनी अपनी जगह पर सबकी। और ये गैसो फास्ट थी जिसे मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में रख दिया है ताकि गुम ना जाए। और ये मेरा ऑयल था जो कि मैंने ऑयल को भी यहाँ से उठा के रख दिया है क्योंकि मेरा हेयर ऑयल भी फिनिश हो चुका था ऑलमोस्ट। और ये था कंटेनर एक राइस के लिए जिसमें कि मैंने राइस फिल कर दिया है, और एक छोटी वाली मेरे पास छोटी सी बकेट थी उसमें मैंने शुगर डाल दी है। मेरा बेटा भी काफ़ी मेरी हेल्प करता है इन सभी चीज़ों में, और वो भी मेरी हेल्प कर रहा था काफ़ी देर से। और मैं सभी चीज़ें जैसे सोप थे, बाथिंग सोप थे, डिश वॉश बार थे, ये सभी को मैं स्टोर करके रख रही हूँ। और कपड़ों के लिए भी मैं कुछ थोड़े से सोप लेकर आई थी, उन्हें भी मैं रख रही हूँ एक साइड पर स्टोर करके, क्योंकि अभी थोड़े से कुछ बचे हुए भी थे, थोड़े से मैं लेकर आई हूँ क्योंकि एकदम से फिर जल्दी से नहीं जाना हो पाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लेकर आती हूँ। और ये सारा थोड़ा सा नाश्ते का सामान बचा हुआ था, टिश्यू पेपर थे, और व्हील की 4 kg की मैंने डिटर्जेंट की पैकेट लिया था, ये देखें 2-in-1, तो ये मैंने पैकेट लिया था। और ये विम का लिक्विड सोप था डिशवॉश वाला, तो ये मेरा बेटा कर रहा है, कंटेनर में भर रहा है, फिल कर रहा है उसे। तो ये छोटे छोटे काम भी बच्चों से कराने चाहिए, उन्हें भी मज़ा आता है, वो भी इंजॉय करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो और मैं सारी जो भी दालें लेकर आई थी वो सभी मैं दालें इसमें डाल रही हूँ बॉक्सेस में, जो दालें मेरी ख़त्म हो गई थी वो मैंने लिस्ट में ऐड कर ली थी, और जो जो सामान ख़त्म होता रहता है उसे मैं लिस्ट में ऐड ऑन करती रहती हूँ, और ताकि जब मैं डी मार्ट जाऊँ तो मुझे याद रहे कि मेरा क्या ग्रोसरी आइटम ख़त्म हो रहा है। तो अभी ये कुछ सामान मेरा रह गया था रखने के लिए, एडजस्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मिनिमम 40-45 minutes मुझे लग गए थे इसे सामान को सेट करने में। और ये सारा सामान भी मैंने एक साइड पर रख दिया था, और ये सारा कुछ सामान इसमें नाश्ते का लेकर आई थी मैं, काफ़ी सारा सामान तो रखा हुआ था अभी नाश्ते का, बट कुछ सामान मैंने रखना था। और ये एक बास्केट मैंने बनाई हुई है जो कि गेस्ट वगैरह जब भी आते हैं, तो 2 कंटेनर मैंने बनाए हैं, एक कंटेनर मैंने इसमें बिस्किट्स के लिए रखा हुआ है और एक कंटेनर में मैं नमकीन रखती हूँ, तो 2 कंटेनर मैंने इस तरह से बनाए हुए हैं। और ये मैं बास्केट में करके अच्छे से रखती हूँ एक साइड पर, और जब गेस्ट वगैरह के लिए मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होता है, लगाना होता है, तब मैं इस बास्केट को यूज़ करती हूँ। और मेरी किचन में इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें रख पाऊँ कंटेनर वगैरह, तो इसलिए मैं यहीं पर रूम में एक साइड पर उस बास्केट को रखती हूँ। कंटेनर अगर मैं रखूँगी तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसलिए मैं बास्केट में करके कंटेनर रखती हूँ डाल के बास्केट के अंदर, ताकि ईज़िली मैं उसे यूज़ कर सकूँ और वो अजीब भी ना लगे रूम में रखे हुए।
और यहाँ पर मैं कंटेनर में डाल रही थी सर्फ, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरे पास, डिटर्जेंट बिल्कुल फिनिश हो चुका था। और ये रात का टाइम था और मुझे बनवाने थे अपने बेटे के लिए प्रोजेक्ट, जो कि हॉलीडे होमवर्क में हर सब्जेक्ट में 2 से 3 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, हर सब्जेक्ट में दिए हुए हैं बनाने के लिए। और काफ़ी सारा टाइम हमें लग गया था, 10 बजे मैंने फिर खाना बनाया था, 10 बजे हमने फिनिश किए थे प्रोजेक्ट का वर्क इसका अपने बेटे का। और काफ़ी सारा पूरा रूम मैसी हो गया था सारे में, ये देखें कितना बुरा गंद फैल गया था, क्योंकि कुछ थर्माकोल के भी प्रोजेक्ट्स थे और थर्माकोल से काफ़ी सारी उड़ के डस्ट सभी में फैल जाती है। और ये कुछ चार्ट पेपर थे, A4 शीट्स वगैरह थी, और ये कुछ स्केच थे, कलर्स थे, स्केल्स वगैरह थे, वाटर कलर थे, और क्रेयॉन्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने निकाली हुई थी, और पूरा रूम बिखरा हुआ था। तो अभी ये फिनिश हो चुके थे, 1-2 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करा दिए थे। और उसके बाद में मेरे बेटे ने भी काफ़ी सारे टॉयज़ यहाँ पर फैलाए हुए थे, और उसके बाद में ये सारे टॉयज़ भी मैं समेट रही हूँ सारे। और उसके बाद में कुकिंग मैंने की थी, वो जो कि मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद मैंने लगाई थी यहाँ पर झाड़ू, ताकि ये सारी जो जितनी भी जगह पर थर्माकोल वगैरह उड़ के गया हुआ है वो सारे में ना फैले और ज़्यादा। और ये देखें मेरा बेटा भी मेरी काफ़ी हेल्प करा रहा था, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स ये इकट्ठा कर रहा था एक साइड पर, और मेरी काफ़ी हेल्प कराई है उसने आज। अगर आज का आपको ये छोटा सा ब्लॉग हमारा सिंपल सा पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।